असलम एवरी वन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे अच्छा जी यहाँ पे आपको मेकअप की काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी ये ग्लैमरस फ़ेस का मेकअप है इन सब चीज़ों का रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा आज मैं आपके साथ जिस चीज़ का रिव्यू शेयर कर रही करी हूं, वो भी ग्लैमरस फ़ेस का ही एक मेकअप प्रोडक्ट है जो कि है जी इनका फ़ेस पाउडर आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी इसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसकी प्राइस वगैरह क्या है आपको कहाँ से मिलेगा सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ये एक टू वे केक है इसको आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो एज आ फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इसके अलावा आप इसको फाउंडेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो तो यूज़ करने का तरीका मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगी अच्छा जी इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलें जी अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी पैकिंग की बात कर लेते हैं तो जी ये कुछ इस तरीके से है इस बॉक्स के अंदर ये मुझे रिसीव हुआ था इन्होंने इसके ऊपर इसका नाम वगैरह मेंशन किया हुआ है इसमें एस पी एफ़ थर्टी फ़ाइव है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ऑयल फ्री फाउंडेशन है इसके अलावा जिसका जो शेड है वो ज़ीरो टू शेड है जो मैंने मंगवाया था आपको इसमें डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे तकरीबन आठ शेड्स मिलेंगे ज़ीरो टू जो है ना वो मीडियम स्किन टोन वालों के लिए ठीक है ज़ीरो वन इससे फेयर जो है वो ज़ीरो वन है बाकी इससे ऊपर जीरो थ्री जीरो फोर जीरो फाइव वो ना इससे थोड़े डार्क शेड्स हैं ये लाइट शेड है ठीक है इससे ज़्यादा लाइट जो है ना वो एक ही और शेड आपको मिलेगा अच्छा जी पैकिंग जो है कुछ इस तरीके से आपने देख ली है अब मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ ओपन करने के बाद ये अंदर से कुछ इस तरीके से है काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग है वही चीज़ें इन्होंने इसके ऊपर भी मेंशन की हुई हैं जब आप इसको ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको एक जो है ना बीटी ब्लेंडर जिसकी मदद से आपने इसको अप्लाई करना है वो भी मिल जाएगा ओपन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें एक मिरर भी है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आप इसको अगर अपने बैग में साथ रखते हो कहीं आपने जाना है तो मेकअप के लिए आपको ज़्यादा मिरर की ज़रूरत होगी तो वो भी एक प्लस पॉइंट है तो अगर इसकी पैकिंग की हम ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छी पैकिंग है अब मैं आपको इसका शेड जो है वो दिखा देती हूँ मेरा स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है uh, मेरे हाथों से आपको आइडिया हो रहा होगा जिनका इस तरह का स्किन टोन है ना वो ज़ीरो टू शेड लें और जिनका इससे फेयर स्किन टोन है वो ज़ीरो वन शेड लें Uh, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहे हैं ना क्योंकि गोरे रंग सब ही सबको चाहिए होते हैं तो जिनका ज़रा सांबला रंग है वो भी गोरे ही फाउंडेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से ज़ीरो टू और ज़ीरो वन शेड ठीक है वैसे भी आपको अपनी स्किन से टोन से ना थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीडाइज़ हो जाती है और फिर उसके बाद जो है ना आपका कलर डल लगना शुरू हो जाता है तो जिनका मेरे जैसा स्किन टोन है वो ज़ीरो टू शेड ले लें और जिनका मेरे से ज़्यादा फेयर है वो जीरो वन शेड ले लें ठीक है यहाँ पर शेड्स की बात हो गई प्राइस की बात करें तो इनका डिस्काउंट जो है वो चलता ही रहता है ये आपको तकरीबन फ़ाइफ एटी रुपीज़ में मिल जाएगा डिस्काउंट पे आप इसको इनकी वेबसाइट से भी ले सकते हो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो वहाँ पर जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो यूज़ करने का तरीका ये है कि ये टू वे केक है इसको आप एज़ अ फ़ेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और फाउंडेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने फेस पाउडर के तौर पे यूज़ करना है तो जैसे आप अपना मेकअप करते हो उसके बाद आप फ़ेस पाउडर जिस तरह अप्लाई करते हो उस तरह कर लेना है और अगर आपने इसको फाउंडेशन के तौर पे यूज़ करना है तो आपने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को जो है ना थोड़ा सा डैम्प कर लेना है पानी में डाल के ना उसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है डैम्प होना चाहिए उससे फिर आपने इसको अप्लाई करना है तो फिर ये एज़ अ फ़ाउंडेशन जो है ना चल जाएगा अगर हम इसकी कवरेज की बात करें तो ये आ, मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग दब्बे हैं दाने हैं या स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ये उस तरह आपकी वो सारी चीज़ें जो है ना उनको कवर नहीं करेगा लेकिन ये है कि हल्की फुल्की आपको कवरेज दे देगा लेकिन बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देगा ज़ाहिर आप प्राइस देखा करें इसके अलावा आप ब्रांड देखा करें जो बहुत महंगे महंगे आपको मिल रहे होते हैं आपके दाने शाने हर चीज़ छुपा देते हैं तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी लेकिन नॉर्मल डेली यूज़ के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है गर्मियों के लिए ये बेस्ट है क्योंकि जब हम गर्मी में मेकअप करते हैं तो ऑयल आ जाता है गर्मी लगती है पसीना आता है तो उसकी वजह से हमारा मेकअप खराब हो जाता है तो अगर आप गर्मी में इसको यूज़ करोगे ना तो ये काफ़ी अच्छा है इसके अलावा ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है ड्राई स्किन वाले अगर इसको एज़ अ फाउंडेशन यूज़ करेंगे ना तो उन्होंने पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेना है उसके बाद आपने इसको जो है ना अप्लाई करना है अगर जी मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है आप इसको ज़रूर ट्राई करें ग्लैमरस फेस की जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं और मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं उन सब चीज़ों की रिव्यू वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं लोकल ब्रांड है क्वालिटी को आप फिर उस हिसाब से देखा करें जिस हिसाब से आपको प्राइस मिल रही होती है तो फिर आपको ये पसंद आएगा बाकी ये है कि मैंने अपनी तरफ से तो सारी बातें बता दी हैं लेकिन अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसके अलावा जी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट जो है वो ज़रूर करें अच्छा जी तो ये थी आज की रिव्यू वीडियो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी ठीक है जी अपना बहुत सा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हाफिज़